प्रिय विद्यार्थियों, आज की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उप विषय इतिहास के तृतीय अध्याय नाथसीवाद और हिटलर का उदय के द्वितीय भाग का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, इसके प्रथम भाग का अध्ययन हम कर चुके हैं, तो हम देख लेते हैं कि इसके प्रथम भाग में हमने क्या क्या सीखा था। हमने इसमें नाथसीवाद का परिचय आपको बताया था, वाइमर गणराज्य का उदय कैसे हुआ था इसके संबंध में आपसे चर्चा की थी, प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा था इसके संबंध में हमने चर्चा की थी, राजनीतिक रेडिकलवाद एवं आर्थिक संकट क्या था इसके संबंध में हम लोगों ने जाना था, आर्थिक मंदी के जो वर्ष थे 1929 से 1932 तक उसके संबंध में हमने जाना था, हिटलर का उदय कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ इसका अध्ययन भी हमने किया था। बच्चों, आज के जो हमारे शिक्षण बिंदु हैं, जिन पर हमारा आज का शिक्षण केंद्रित रहने वाला है, उनको हम जान लेते हैं। लोकतंत्र का ध्वंस कैसे हुआ इसको हम समझेंगे, जर्मनी का पुनर्निर्माण कैसे किया इसको हम जानेंगे, नाथियों का विश्व के प्रति दृष्टिकोण कैसा था इसको हम जानेंगे, और नस्लवादी राज्य की स्थापना कैसे हुई इसको हम जानेंगे। नस्लवादी कल्पना लोक, जिसे यूटोपिया कहा जाता है, देवा स्वप्न देखने वाले, इसके संबंध में हम जानेंगे। मौत का सिलसिला जो तीन चरणों में हुआ, जैसे प्रथम चरण बहिष्कार के रूप में 1933 से 1939 तक, इसको हम जानेंगे। दूसरा चरण जिसे दड़बाबंदी कहा गया 1940 से 1944 तक, इसको भी हम जानेंगे। और तीसरा चरण सर्वनाश का चरण था जो 1941 के बाद प्रारंभ हुआ, इसको भी हम जानेंगे। बच्चों, अग्रिम भाग के जो शिक्षण बिंदु हैं, मतलब भाग तीन जो इसका अंतिम भाग है, उसको भी हम एक निगाह डाल लेते हैं कि अग्रिम भाग में हम नाथसी जर्मनी में युवाओं की स्थिति को जानेंगे, मातृत्व के प्रति जो नाथसी थे उनकी सोच क्या थी उसको हम जानेंगे, प्रचार की जो नाथसी कला थी उसके बारे में हम जानेंगे, और ये जो प्रचार की नाथसी कला है यह एक विशेष कला थी, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे अगले भाग में, आम जनता एवं मानवता के विरुद्ध अपराध इसके संबंध में हम सीखेंगे, महाध्वंस जिसे होलोकास्ट कहा गया इसके विषय में भी जानकारियां हम अग्रिम भाग में ही प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आइए चलते हैं, जो आज के हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। नाथियों ने लोकतंत्र का ध्वंस किस प्रकार किया इसे हम समझ सकेंगे, अव्यवस्थित जर्मनी का पुनर्निर्माण कैसे हुआ इसको भी हम समझ सकेंगे, नाथियों के विश्व के प्रति दृष्टिकोण को हम समझ सकेंगे, नस्लवादी राज्य की स्थापना कैसे हुई इसको भी हम समझ सकेंगे, नस्लवादी कल्पना लोक क्या था इसका भी अध्ययन करेंगे, जर्मनी में मौत का सिलसिला कैसे प्रारंभ हुआ इसका भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी बताया था कि तीन चरणों में बहिष्कार, दड़बाबंदी और सर्वनाश। बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि लोकतंत्र का ध्वंस, अर्थात लोकतंत्र का अपघटित हो जाना, समाप्त हो जाना। बच्चों, 30 जनवरी 1933 ईस्वी को जो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग थे जर्मनी के, उन्होंने हिटलर को जर्मन मंत्रिमंडल के सबसे प्रमुख पद, जर्मनी में सबसे प्रमुख पद चांसलर का पद माना जाता है, जिसे प्रधानमंत्री के दर्जे के समान उसे दर्जा प्राप्त होता है, तो हिंडनबर्ग ने उसको चांसलर का पद प्रदान किया, हिटलर इस पद पर आसीन हुआ। बच्चों, सत्ता प्राप्त करते ही हिटलर ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को भंग करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये लोकतंत्र से नफरत करता था, आगे बताएंगे कि क्यों नफरत करता था। इसी समय जर्मन संसद में रहस्यमयी तरीके से एक अग्निकांड हुआ, आग लग गई, और इस अग्निकांड ने हिटलर के लिए लोकतंत्र समाप्ति का रास्ता और सरल कर दिया। बच्चों, 28 फरवरी 1933 ईस्वी को अग्नि अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के द्वारा देखिए क्या किया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और सभा करने जैसी जो नागरिक आज़ादियां थीं उनको अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, जबकि जर्मनी का जो वाइमर संविधान था उसमें इन अधिकारों को बहुत महत्व प्रदान किया गया था। तो ये एक बड़ा परिवर्तन, कुठाराघात लोकतंत्र पर हिटलर के द्वारा किया गया। इसके बाद हिटलर ने जो वामपंथी थे उनको दमन का शिकार बनाना शुरू कर दिया, और हिटलर के ये प्रबल शत्रु थे, हिटलर इनसे बहुत नफरत करता था। बच्चों, जो ये वामपंथी थे इनका बर्बर तरीके से दमन किया गया और बंदी गृहों में इनको डाल दिया गया। बच्चों, नाथियों ने केवल कम्युनिस्टों को ही समाप्त नहीं किया बल्कि
कुल 52 प्रकार की नस्लों के लोगों को मौत के घाट उतारा। जी हाँ बच्चों, 3 मार्च 1933 ईस्वी को एक विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। जर्मन संसद में एक विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम क्या था? इस अधिनियम के द्वारा जर्मनी में तानाशाही को कानूनी स्वरूप प्रदान कर दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि इस कानून का क्या असर हुआ। जो ये विशेषाधिकार अधिनियम आया, इस कानून का असर क्या हुआ उसे जान लेते हैं। अब जर्मन संसद का महत्व अत्यंत कम हो गया और महत्व किसका बढ़ा? तानाशाही का। हिटलर को केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। बच्चों आपके मन में होगा कि अध्यादेश किसे कहते हैं, हम आपको बताते हैं। अध्यादेश एक ऐसा कानूनी प्राविधान है कि जिसे संसद के न रहते हुए भी और संसद के कानून के समान जिसे महत्व प्राप्त हो। हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर संसद जो है सत्र में नहीं है, कार्य में नहीं है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा कानून के समान अपना आदेश जारी कर सकते हैं। तो यही अधिकार हिटलर को प्राप्त हो गया। बच्चों नाथसी पार्टी एवं उसके सहयोगियों को छोड़कर सभी दलों एवं व्यापारिक संगठनों पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया गया इसी अध्यादेश के सहारे। अर्थव्यवस्था, न्यायपालिका, सेना एवं मीडिया पर नाथसी शासन का पूरी तरह कब्जा हो चुका था। और यही मुख्य पहलू है अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, वहां की न्यायपालिका, वहां की सेना और वहां की मीडिया, इन्हीं पर पूरा देश आधारित होता है। और इन पर कब्जा किसने कर लिया? नाथसी पार्टी ने और हिटलर ने। बच्चों पूरे समाज को नाथसियों के हिसाब से नियंत्रित करने के लिए विशेष निगरानी दस्ते बनाए गए कि कैसे पूरे समाज को कंट्रोल में रखा जाए। पहले से मौजूद जो हरी वर्दी वाली पुलिस के अलावा गुप्तचर राज्य पुलिस, जिसे गेस्तापो नाम दिया गया, इन गुप्तचरों को भर्ती किया गया, विभाग बनाए गए। अपराध नियंत्रण पुलिस, जिसे SS के नाम से जानते हैं, इनको रखा गया, एवं सुरक्षा सेवा, जिसे SD के नाम से जाना जाता है, इन विभागों का गठन किया गया। ये हिटलर के अपने मस्तिष्क की उपज थी। बच्चों इन दस्तों को असीमित असंवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। अब आपके मन में होगा कि असंवैधानिक अधिकार क्या होता है? असंवैधानिक अधिकार वह होता है जो संविधान द्वारा प्रदत्त न हो, जो मनमाने तरीके से लादे जाएं जनता पर, जो लोकतंत्र के विपरीत हों, उन्हें कहा जाता है असंवैधानिक अधिकार। तो ये जो संगठन थे गेस्तापो, ये जो बनाए गए थे, इनको असीमित असंवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। आगे देखते हैं, इन्होंने ही अपने कृत्यों से नाथसी शासन को एक खूंखार एवं आपराधिक शासन का दर्जा प्रदान कर दिया। या जो संगठन बने थे, इनको जो विभिन्न प्रकार के अवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए, इन्हीं की वजह से नाथसी शासन पूरे विश्व में खूंखार शासन के रूप में जाना गया। बच्चों इनके यातना ग्रहों में किसी को भी अकारण डाला जा सकता था। आपको याद होगा हमारे देश में भी एक ऐसा कानून अंग्रेज लाए थे, काला कानून, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया था, जिसमें बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के किसी को भी उठा करके शंका के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। ठीक उसी प्रकार का यह कानून था कि किसी को भी यह गेस्तापो वगैरह ले करके और जेल में डाल सकते थे। बच्चों किसी को भी देश निकाला दिया जा सकता था। निर्दोष लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में बिना कानूनी प्रक्रिया के रखा जाता था। अब आपके मन में होगा कि कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? ये यातना गृह थे, बंदी गृह थे, जहां पर विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। बच्चों इन कैंप के चारों ओर लगे हुए जो कटीले तार थे, उसमें 24 घंटे बिजली का करंट प्रवाहित होता रहता था। तो आप देखिए कि किस तरीके से हिटलर ने कौन कौन से कृत्य किए जिसकी वजह से पूरा विश्व इसके अत्याचारों से कराह उठा। बच्चों इसी से संबंधित एक हमारा प्रश्न है, जो गतिविधि के रूप में आपसे हम ले लेते हैं कि हिटलर ने जर्मनी में लोकतंत्र को क्यों समाप्त किया। अब अभी आपको इसके आगे भी पता चलेगा कि हिटलर ने लोकतंत्र को इसलिए समाप्त किया क्योंकि हिटलर लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता था। हिटलर तानाशाही में विश्वास रखता था और पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता था, और वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संभव नहीं था। बच्चों दूसरा प्रश्न है, हिटलर किस प्रकार की शासन व्यवस्था में विश्वास करता था? अभी हमने बताया कि हिटलर जो है वो तानाशाही शासन व्यवस्था में विश्वास करता था, लोकतांत्रिक में विश्वास उसका नहीं था। बच्चों अब अगला जो है हमारा जो बिंदु है वह है पुनर्निर्माण, जिसको हम अगर इसका संधि विच्छेद करें
आपने हिंदी में सीखा होगा संधि विच्छेद करना, तो अगर इसका संधि विच्छेद करें तो पुनः निर्माण होता है, अर्थात फिर से बनाया गया कोई किसी चीज़ को फिर से बनाया जाए। तो बच्चों, किसी चीज़ का पुनर्निर्माण कब होगा? जब वह बिगड़ चुकी हो अथवा उस नष्ट हो चुकी हो, तभी तो पुनर्निर्माण होगा उसका। तो वही पुनर्निर्माण किया गया। कैसे? हिटलर ने छिन्न भिन्न अर्थव्यवस्था को, जर्मनी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था, तो वहाँ की जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए उसने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को जिम्मेदारी दी थी, जिसका नाम था हियाल्मार साख्त। क्या नाम था? हियाल्मार साख्त। इनको जिम्मेदारी दी। ये आर्थिक मामलों के बहुत बड़े जानकार थे। साख्त ने सरकारी कोष से रोजगार संवर्धन कार्यक्रम चलाए। सबसे पहला काम किया कि जो सरकारी धन था उससे इन्होंने रोजगार संवर्धन कार्यक्रम चलाए। इसके तहत इन्होंने क्या किया, 100% उत्पादन और 100% रोजगार को अपना लक्ष्य बनाया कि 100% उत्पादन हो और 100% रोजगार हासिल हो। यह इसको लक्ष्य बनाया। प्रसिद्ध जर्मन सुपर हाईवे जो राजपथ था, और फॉक्स वैगन कार इसी परियोजना की देन है। आपको सुन के अचरज होगा कि आज जो फॉक्स वैगन कार में हम लोग सफ़र करते हैं, जिसे कहते हैं फॉक्स वैगन है, हालांकि उसे W से प्रारंभ किया जाता है। आपने देखा होगा कार के ऊपर ऐसे 2 W बने होते हैं, है ना, तो वो फॉक्स वैगन के नाम से उसका उच्चारण फा करके निकलता है, फॉक्स वैगन। बच्चों, वो इसी समय की और इसी समय की देन है जो हियाल्मार साख्त ने योजना बनाई थी। फॉक्स वैगन वो इसी परियोजना से निकली हुई कार थी। अभी आगे इसको हम आपको दिखाते हैं। तो यह एक कार है बच्चों। जर्मनी में इस कार को ऐसे प्रदर्शित किया जाता था जैसे कि यह आम आदमी की कार हो और आम आदमी इसको ले सकता है। यह फॉक्स वैगन का उस समय का मॉडल है। अब आज के बाजार में फॉक्स वैगन के विभिन्न प्रकार के आधुनिक मॉडल आ चुके हैं, तो यह उस जमाने की कार है जब हिटलर का समय था। तो आपको बड़ा जान के अचरज होगा कि हमारी जो आज की फॉक्स वैगन है वो उस समय हिटलर के ज़माने की यह कार थी। तो बच्चों, आगे हम लोग देख लेते हैं कि विदेश नीति पर भी हिटलर ने अपनी मनमानी कामयाबी प्राप्त की। विदेश नीति के मामले में भी जो हिटलर है उसे काफ़ी सफलताएँ मिली। हिटलर द्वारा एक जन एक साम्राज्य एवं एक नेता, यह नारा दिया गया था, और इस नारे की आड़ में निम्न प्रकार अपनी सीमाओं को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया देख लेते हैं। 1933 ईस्वी में लीग ऑफ नेशंस नामक जो संगठन था उससे इसने अपने संबंधों को विच्छेदित कर लिया, संबंध समाप्त कर लिए। 1936 ईस्वी में राइनलैंड पर पुनः कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण भाग था जिसको इसने अपने कब्जे में ले लिया। अभी इसको हम नक्शे के द्वारा आपको दिखाएंगे। बच्चों, यह एक यूरोप का नक्शा है और इस नक्शे के द्वारा अभी हम आपको बताएंगे। जैसे 1938 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को इसने जर्मनी में मिला लिया। ऑस्ट्रिया इसका पड़ोसी देश था और इसको इसने अपने देश में मिला लिया। इसके बाद संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर भी इसने कब्जा कर लिया। देखिए, धीमे धीमे करके इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाना प्रारंभ किया, चूंकि इसकी सोच साम्राज्यवादी थी। हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा क्षेत्र आपके लिए हमने इसको सजाया है कि पीला भाग जो है वो 72 जर्मनी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये जो पीला वाला भाग है बच्चों, इस पीले वाले भाग में यही है जर्मनी का मुख्य भूभाग। अब जो गुलाबी भाग है या धुरी राष्ट्रों के सहयोगी हैं, जैसे फिनलैंड, हंगरी, रोमानिया आदि, ये जो गुलाबी वाला भाग है, ये गुलाबी भाग और ये गुलाबी भाग, तो जो ये गुलाबी भाग हैं ये कौन है? धुरी राष्ट्र, जो धुरी राष्ट्र थे वो उनके सहयोगी हैं, जैसे फिनलैंड, हंगरी, रोमानिया आदि। फिर गहरे हरे भाग पर जर्मनी का कब्जा है। ये जो हरा गहरे रंग का, ये वाला हरा, ये वाला हरा और ये वाला हरा, ये जो भाग हैं इन पर क्या है? जर्मनी का कब्जा है नाजायज तरीके से। जैसे बेल्जियम है, फ्रांस है, नॉर्वे है, पोलैंड है, यूक्रेन, ये बेल्जियम, फ्रांस, नॉर्वे, पोलैंड, इन पर इसका कब्जा है। फिर है हल्का हरा रंग इटली का क्षेत्र। ये बच्चों नीचे भूमध्य सागर की तरफ देखिए, सुवापंखी रंग से प्रदर्शित हो रहा है, यह जो है इटली का परिक्षेत्र है। नीले रंग के वो क्षेत्र हैं जो तटस्थ देश हैं। ये नीले रंग से देखिए, ये नीला है, ये नीला है, ये नीला है, ये नीला है, ये वो देश हैं जो तटस्थ थे, जिसमें आपका स्वीडन है, आयरलैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है। तो ये वो देश हैं, स्वीडन है और आपका आयरलैंड है, स्पेन है और पुर्तगाल है, ये नीले रंग से। तो इस प्रकार से ये जो मानचित्र है या मानचित्र
प्रदर्शित करता है कि हिटलर ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य को बढ़ाया। बच्चों, हिटलर को प्राप्त प्रारंभिक सफलताओं ने उसे और अहंकारी बना दिया। जब व्यक्ति को सफलताएं मिलती हैं तो देखा जाता है कि आम लोग जो है वो अहंकारी बन जाते हैं। तो बच्चों, उसने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु युद्ध का रास्ता चुना। विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार से अर्थव्यवस्था को अपना मजबूत करते हैं, तो उसने युद्ध का रास्ता चुना। वह अपनी सीमाओं की वृद्धि में जुट गया, साम्राज्य बढ़ाने में जुट गया। 1939 ईस्वी में जब उसने पोलैंड पर आक्रमण किया तो फ्रांस एवं इंग्लैंड से भी उसे युद्ध करना पड़ा। जब उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो जो फ्रांस और इंग्लैंड शांत बैठे थे उनसे भी इसको युद्ध करना पड़ा। सितंबर 1940 ईस्वी में जर्मनी ने जापान एवं इटली के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की, जापान के साथ और इटली के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की इसने। इस संधि ने हिटलर को 1940 ईस्वी तक बहुत ताकतवर बना दिया था। पूर्वी यूरोप को जीतना हिटलर का प्रमुख सपना था। जो सोवियत संघ की तरफ का क्षेत्र था। अतः 1941 ईस्वी में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। और बच्चों, यह हमला हिटलर की एक बहुत बड़ी मूर्खता और भूल थी। देखिए, यह हमला हिटलर की ऐतिहासिक भूल साबित हुई, क्योंकि अब जर्मन सेना पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेना से एवं पश्चिमी मोर्चे पर इंग्लैंड की सेना से बुरी तरह घिर चुकी थी। पश्चिम की तरफ इंग्लैंड है जर्मनी के और पूर्व की तरफ सोवियत संघ है। तो पूर्व से सोवियत संघ की सेनाओं को युद्ध करना पड़ा और पश्चिम की तरफ इंग्लैंड की सेनाओं से, तो दोनों के बीच में यह घिर गया और इतना ताकतवर नहीं था कि दो दो सेनाओं से एक साथ युद्ध कर सके। इसीलिए कहा गया है कि सोवियत संघ पर हमला जो है वो इनकी एक ऐतिहासिक भूल थी। आगे हम लोग देख लेते हैं। इस घटना ने लगभग 50 वर्षों तक संपूर्ण पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का कब्जा स्थापित करा दिया। जो सोवियत संघ था उसका कब्जा पूर्वी यूरोप पर हो चुका था। अमेरिका, ये आपको बच्चों बता दें कि 50 वर्षों तक, मतलब सोवियत संघ वही है जिसे आज हम रसिया कहते हैं, रूस कहते हैं। तो जब ये सोवियत संघ का विघटन हुआ तब जाकर के वो क्षेत्र मुक्त हुआ, नहीं तो पहले यूरोप के पूर्वी क्षेत्र पर पूरी तरह सोवियत संघ ने कब्जा कर रखा था। अमेरिका इस युद्ध से स्वयं को बचाता रहा। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने बहुत बड़े जान माल का नुकसान झेला था। आर्थिक रूप से पूरी तरह अपंग हो चुका था अमेरिका, इसलिए वो दोबारा युद्ध में पड़ना नहीं चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरह वो आर्थिक रूप से विपन्न हो चुका था, इसीलिए वो बच रहा था। दूसरी ओर पूर्व में जापान ताकतवर हो रहा था और जापान किसका साथी था? हिटलर का। हिटलर से संधि हुई थी इटली की जापान की, अभी बताया। तो उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया। किसने? जापान ने। फ्रेंच इंडो और चाइना पर जापान का कब्जा हो चुका था एवं प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर भी हमला करने की योजना बना रहा था। कौन? जापान। जापान जो है प्रशांत महासागर में जो अमेरिकी नौसेना के ठिकाने थे उन पर भी हमला करने की योजना जापान बना रहा था। जापान ने जब हिटलर को समर्थन दिया एवं पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बम वर्षा की जापान ने, तो अमेरिका को भी इस युद्ध में, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया, इसमें उतरना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया जापान ने और उस पर बमबारी की, तो कोई भी हो, अगर आपके घर पर कोई हमला करेगा तो आपको अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, और यही अमेरिका ने किया। इस युद्ध का अंत मई 1945 में हुआ। बच्चों, अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 39 से प्रारंभ होकर और 45 तक चला। इसमें न केवल हिटलर की पराजय हुई बल्कि जापान जैसे सहयोगी देश पर अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका के दो जगह हिरोशिमा और नागासाकी, दो स्थानों पर इसने क्या किया? परमाणु बम से हमला किया। बच्चों, इसमें भीषण जो है नरसंहार हुआ। स्थितियाँ इतनी भयावह थीं कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरे तो वहाँ के अभी तक जो बच्चे, जो संतानें उत्पन्न होती हैं, वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग उत्पन्न होती हैं, क्योंकि परमाणु बम के द्वारा इतना रेडिएशन फैला कि जिसका प्रभाव अभी तक चला आ रहा है। बच्चों, परमाणु बम के प्रभाव से आज तक जापान में पैदा होने वाले बच्चों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है, दुष्प्रभाव। तो अब इसी से संबंधित कुछ गतिविधि हम लोग कर लेते हैं। बच्चों, एक प्रश्न है कि हिटलर की साम्राज्यवादी सोच के पीछे मुख्य कारण क्या था? आप समझ गए होंगे कि हिटलर की साम्राज्यवादी सोच के पीछे मुख्य कारण यह था
कि एक तो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और दूसरा अपने क्षेत्र को, भूभाग को, साम्राज्य को बढ़ाना, यह उसकी प्रमुख सोच थी। दूसरा, क्या द्वितीय विश्वयुद्ध हिटलर की इसी सोच का परिणाम था? बिल्कुल सही है कि द्वितीय विश्वयुद्ध हिटलर की इसी साम्राज्यवादी नीति का और अधिक लालच का, मनमानेपन का परिणाम था। अगर हिटलर चाहते तो द्वितीय विश्वयुद्ध कभी ना होता, लेकिन हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण करके, पोलैंड पर आक्रमण करके, जो उन्होंने फ्रांस को, इंग्लैंड को, इन सब को, अमेरिका को शत्रु बनाया, उसका परिणाम था कि द्वितीय विश्वयुद्ध पूरी दुनिया को देखना पड़ा, जिसमें अत्यधिक मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ। बच्चों, अब हम लोग अगला बिंदु लेते हैं, नाथियों का विश्व दृष्टिकोण। जो नाथी थे, इनका विश्व के प्रति दृष्टिकोण कैसा था, उसे जान लेते हैं। अब हम पुनः आपको लेके चलते हैं प्रथम भाग की तरफ, जो कहानी आपको बताई थी कि हेलमुट एवं उसके पिता की कहानी। हेलमुट जो एक लड़का था, उसके पिता और माता आपस में चुपचाप बात कर रहे थे ना कि अब हमें कोई छोड़ेगा नहीं, अब हमें दंड दिया जाएगा, और बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, प्रथम भाग में पढ़ा था। तो उधर ही चलते हैं कि हेलमुट एवं उसके पिता की कहानी की ओर हम लोग चलते हैं, जिसमें नाथियों के जुल्मों के विषय में कहा गया है। ठीक है, नाथसी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्याय थी, जिसमें सभी समाजों को बराबरी का अधिकार नहीं था। जी हाँ, इसी को नस्लवादी विचारधारा कहा जाता है, जहां पर किसी विशेष नस्ल को उच्च मान लिया जाए और किसी विशेष नस्ल को नीचा माना जाए, इसी को हम नस्लवादी विचारधारा कहते हैं। नाथियों के अनुसार नीली आंखों वाले जो नॉर्डिक जर्मन आर्य थे, वो सबसे उच्च श्रेणी के थे, और यहूदी जो है वो सबसे निम्न श्रेणी के थे। नाथी यहूदियों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उनका मानना था कि ईसा मसीह को इन्होंने ही मारा था, ऐसा इनका मानना था। तो अन्य बहुत सी नस्लों को भी बाहरी रंग रूप के आधार पर इन्होंने विभाजित कर रखा था। हिटलर अपनी नस्ली सोच को हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत पर आधारित मानता था। बच्चों, ये स्पेंसर का सिद्धांत क्या था? योग्यतम की उत्तरजीविता, अर्थात जो ताकतवर होगा वही जीवित रहेगा, और जो कमजोर हैं वो समाप्त हो जाएंगे, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हालांकि जो स्पेंसर हैं, उन्होंने इस बात को दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा था, लेकिन हिटलर ने इसको अपने गलत तरीकों में बचाव के रूप में, हथियार के रूप में इसको प्रयोग किया। हिटलर मानता था कि जो नस्ल ताकतवर होगी वही जीवित रहेगी, और जो कमजोर होंगे वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे या उनको समाप्त कर दिया जाएगा। अतः अपनी नस्ल की शुद्धता बनाए रखना और दुनिया पर शासन करना, यही इसका ख्वाब था। बच्चों, हिटलर की दूसरी विचारधारा थी लेबे श्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। लेबे श्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। अब यह अवधारणा क्या थी? यह अवधारणा ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य को बढ़ाओ, क्षेत्र को बढ़ाओ, वहाँ जर्मन लोगों को बसाओ। जर्मन लोग जब वहाँ बसेंगे तो उनको अपने जर्मनी से प्रेम होगा, और वहाँ हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, और वो लोग कभी भी जर्मनी के विरुद्ध खड़े नहीं होंगे। यही इसका भू राजनीतिक अवधारणा का तात्पर्य है। तो इसलिए इन्होंने अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया, इससे संसाधन एवं शक्ति दोनों प्राप्त होंगे, ऐसा हिटलर का मानना था। बच्चों, अगला हमारा बिंदु है नस्लवादी राज्य की स्थापना। नस्लवादी राज्य की स्थापना कैसे की, आइए देख लेते हैं। सत्ता में पहुंचते ही नाथियों ने शुद्ध जर्मन के विशेष नस्लीय समुदाय की स्थापना प्रारंभ कर दी। समाज में उन सभी नस्लों को समाप्त करना शुरू किया जो अवांछित माने जाते थे। अब अवांछित कौन थे? अवांछित में जिप्सी थे, जो जर्मन में रहते थे जिप्सी, और कौन थे? यहूदी थे, और जर्मन भी ऐसे लोग थे जो विकलांग थे, मानसिक या शारीरिक, वो सभी अवांछित श्रेणी में थे। आप समझिए, केवल यही नहीं था कि जितने जर्मनी के लोग हैं वो सब इसको प्रिय थे, नहीं, ये तो केवल जो है ऐसे लोगों को प्रेम करता था जो सशक्त हों, मजबूत हों और युद्ध करने के लिए लालायित हों। बड़ी विचित्र मानसिकता थी हिटलर की। तो आगे देखते हैं बच्चों कि जर्मनी के ऐसे नागरिकों को भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं था जो अवांछित हों, अर्थात जो कमजोर हों शारीरिक या मानसिक रूप से। यूथनेजिया, एक शब्द है यूथनेजिया, जिसे दया मृत्यु कहा गया है, नामक कार्यक्रम के तहत ऐसे अधिकतर नाथसी अफसरों को एवं असंख्य जर्मनों को हेलमुट के पिता ने मौत के घाट उतारा जो मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम थे। अभी हमने आपको बताया था कि हेलमुट के पिता हिटलर के बड़े सहयोगी थे। नाथियों की नस्लीय अमानवीयता का शिकार केवल यहूदी ही नहीं हुए, बल्कि जर्मन जिप्सी, अभी आपको बताया, अश्वेत, रूसी एवं पोलिश मूल के लोगों को का भी यही हश्र हुआ।
नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का था, क्योंकि ईसाइयों का मानना था कि इन्होंने ईसा मसीह की हत्या की थी। बच्चों, मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं था। ये लोग मुख्य रूप से ब्याज पर धन उधार देने का कार्य करते थे और अपना पेट भरते थे, इसीलिए नाज़ी इन्हें सूदखोर कहते थे। वास्तव में सूदखोर एक गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, हाँ, तो ये लोग उसको सूदखोर कहते थे। ये लोग सामान्य समाज से अलग रहते थे, कौन? यहूदी लोग, और जिन्हें घेटो कहा जाता था, अर्थात ऐसी बस्ती जहाँ एक तरीके से गंदगी, महामारी, अव्यवस्था होती हो, वहाँ पर ये यहूदी लोग रखे जाते थे, जिसे घेटो या दड़बा कहा जाता है। बच्चों, नस्ल संहार के द्वारा बार बार इन्हें समाप्त किया जाता था, इनका कत्लेआम होता था। कुछ यहूदी जान बचाने के लिए धर्म परिवर्तन भी करने लगे और ईसाई बन गए, लेकिन हिटलर को इससे भी संतोष नहीं हुआ, क्योंकि हिटलर इनका एक ही इलाज जानता था। वह कहता था इसका केवल एक ही समाधान है कि इन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। तो बच्चों, इतनी घृणा थी हिटलर के मन में यहूदियों को लेकर, उसकी दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान था कि इन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। यहूदियों के प्रति हिटलर ने अमानवीयता की सभी सीमाएं पार की। कैसे? 1939 से 45 के मध्य पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर, बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाए गए, वहाँ रेलगाड़ियों में, मालगाड़ियों में भर भर के यहूदी लाए जाते थे और उन्हीं गैस चैम्बर में इनको छोड़ दिया जाता था और इनको मृत्युदंड दे दिया जाता था। ये हाल था। अब हमारा एक प्रश्न है आपसे कि हिटलर को यहूदियों से इतनी नफरत क्यों थी? बच्चों, हिटलर की जो मानसिक सोच थी, वह यह मानता था कि जो भी व्यक्ति लड़ाका हो, ताकतवर हो और जिसके अंदर संहार करने की, युद्ध करने की शक्ति हो, ये मस्तिष्क में इसके एक ऐसी विचारधारा थी कि नहीं, वह उच्च नस्ल का है और यहूदी जो है वो निम्न नस्ल के हैं। तो यह जो सोच थी इसकी, अत्यधिक अमानवीय सोच थी, यही कारण यह यहूदियों से बहुत नफरत करता था। हालांकि एक कारण यह भी था कि यह यहूदियों को ईसा मसीह का को मृत्यु देने वाला मानता था, लेकिन ऐसा नहीं था। मुख्य सोच इसके मस्तिष्क की थी कि यह स्वयं को बहुत अच्छा मानता था और यहूदियों को बुरा मानता था। अब एक अगला बिंदु है नस्ली कल्पनालोक, जिसे यूटोपिया या स्वप्नलोक कहा जाता है। नाज़ी अपने नस्लीय कल्पनालोक में खोए रहते थे और आदर्श विश्व का निर्माण करने की बात करते थे। जनसंहार एवं युद्ध एक समान हो चुके थे इनके लिए। बच्चों, पोलैंड के जो बुद्धिजीवी थे उनको इन्होंने बड़ी मात्रा में मौत के घाट उतारा और पूरी तरह तहस नहस कर दिया। संपत्ति और जो भूमि थी वहाँ की पोलैंड की, उस पर कब्जा कर लिया। पोलैंड के बच्चों का नस्लीय परीक्षण कराया जाता था। जो बच्चा उच्च नस्ल का होता था उसे जर्मन कैंपों में भेज दिया जाता था, माताओं से अलग करके शिशुओं को, उनका पालन पोषण जर्मनी के लोग करते थे, नाज़ी लोग करते थे, और जो कमज़ोर बच्चे होते थे उन्हें घेटों में भेज देते थे और गैस चैम्बरों में भेज देते थे, जहाँ उनकी मृत्यु हुआ करती थी। बच्चों, अभी हमने आपको बताया इसके बाद मौत का सिलसिला क्या था। मौत का सिलसिला प्रथम चरण जो बहिष्कार के रूप में 1933 से 39 तक रहा, हमारे बीच नागरिकों की तरह रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, ये नाज़ी कहते थे यहूदियों से और अवांछित लोगों से। दूसरा, न्यूरमबर्ग नागरिकता अधिकार अधिनियम आया 1935, इसके तहत क्या किया गया हम बताते हैं। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले ही जर्मन नागरिक माने जाते थे। यहूदियों और जर्मनों के मध्य विवाह पर रोक, विवाहेतर जो संबंध हैं उन पर भी रोक, एक साथ ये बैठ भी नहीं सकते थे, अपराध घोषित था एक साथ बैठना या विवाहेतर संबंध स्थापित करना। यहूदी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे, यह इस अधिनियम के तहत आया था। इनके अतिरिक्त अन्य तरीकों से भी यहूदियों को परेशान किया गया, जैसे यहूदी व्यापारों का बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाओं से इन्हें निकाला गया, यहूदियों की संपत्ति पर कब्जा करके उसे बेचा गया और उनके पूजा ग्रहों को भी तोड़ा गया। बच्चों, अब दूसरा चरण था दड़बाबंदी, जो घेटो के नाम से था, 1940 से 44। इसमें कहा गया कि तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। 1941 ईस्वी में यहूदियों को आदेश दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा करके, एक चिन्ह होता था, उसे घूमें, अगर नहीं लगाएंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। उनके सभी दस्तावेजों एवं घरों के बाहर भी एक पहचान चिन्ह लगा दिए गए। बच्चों, इन्हें जर्मनी की घेटो जैसी अत्यंत दयनीय दशा में गंदी बस्तियों में रखने के लिए विवश किया गया। ये देखिए एक चित्र है, ये घेटो है, चारों तरफ तार लगे हुए हैं, इनमें बिजली का करंट दौड़ रहा है, ये बाहर नहीं निकल सकते, ये यहूदी लोग हैं, इनकी दुर्दशा को देखिए आप।
बच्चों घेटों में प्रवेश करने के पूर्व यहूदियों की जो संपत्ति थी वो सब कुछ ले ली जाती थी, छीन ली जाती थी, तब उन्हें घेटों में भेजा जाता था। घेटों की गंदगी, भुखमरी और बीमारियों के कारण थोड़े ही समय में लोग मृत्यु का शिकार हो जाते थे। तीसरा चरण सर्वनाश 1941 के बाद प्रारंभ हुआ। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, अब यह नारा दिया हिटलर ने कि इस चरण में पूरे यूरोप के यहूदियों को मालगाड़ी में भर के लाया जाता था और जो पोलैंड में गैस चैम्बर बनाए गए थे उसमें डाल दिया जाता था और तत्काल उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो मतलब जो यंत्र व्यवस्था थी, वैज्ञानिक व्यवस्था थी, उसका इसने बुरी तरह दुरुपयोग किया। पोलैंड एवं अन्य पूर्वी यूरोप में बने इन गैस चैम्बरों में वैज्ञानिक तकनीक का दुरुपयोग करके पलक झपकते ही बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। यह हिटलर की अपनी सोच का परिणाम था। बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा इस भाग में? यह एक ऐसा भाग है जो किसी भी मनुष्य के हृदय को द्रवित कर देगा। बच्चों आज हमने लोकतंत्र को कैसे समाप्त किया गया हिटलर के द्वारा, इसके बारे में जाना। जर्मनी के पुनर्निर्माण हेतु हिटलर द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, इसके संबंध में हमने चर्चा की। नाथसियों के वैश्विक दृष्टिकोण को हमने जाना कि विश्व के प्रति उनकी क्या मनोदशा थी। नस्लवादी राज्य की स्थापना के विषय में हमने समझा कि कैसे इन्होंने घृणित नस्लवादी राज्य की स्थापना की। बच्चों नस्लवादी कल्पनालोक का विषय क्या था, किसको ये मानते थे, इसके संबंध में चर्चा आपसे की। मौत का सिलसिला कैसे चला तीनों चरणों में, हमने उसको आपको बताया। बाकी इसके अगले भाग में और अंतिम भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों आज का जो गृह कार्य है आपके लिए वह है कि हिटलर की नस्लवादी सोच को आप उचित मानते हैं या अनुचित, इसको कारण सहित आपको स्पष्ट करना है, जो भी आपका विचार हो। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की भूमिका क्या थी, इसे आपको स्पष्ट करना है। बच्चों आज हमने जो कुछ भी आपको समझाया, आशा करते हैं पाठ बहुत बृहद था। बृहद होने के कारण थोड़ा हमने उसमें शीघ्रता बरती, क्योंकि उसकी बृहत्ता बहुत बड़ी, बड़ा पाठ है। अतः इसके बाद भी हमने आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की और आशा करते हैं कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इससे संबंधित कुछ और भी ज्ञानार्जन करना है तो आप हमारे दीक्षा ऐप पर जाकर के सीख सकते हैं अथवा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब लिंक पर जाकर के भी आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आप सभी का अभिवादन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।